वचन सीखने के लिए मौका दिता है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके, ताकि असि प्रभु के वचन को सीख सकी। अगर आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे, अगर असी प्रार्थना के नाल बैठांगे, मैं ये विश्वास करता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमसे जरूर बात करेंगे, प्रभु साढ़े नाल जरूर गल करेगा। इसलिए आप लोग भी प्रार्थना के साथ बैठे और सब लोग प्रार्थना के नाल बैठते हुए जब जितने समय भी हम प्रभु के चरणों में हैं, जिन्ना समा भी असी प्रभु के कदमों के विच बैठे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा साढ़े नाल गल करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आओ असी प्रभु के वचन की वल जावांगे। पहला करंथियों 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय 10 वचन, उसका 10 वचन। First Corinthians chapter 3 verse 10। पहला करंथिया 3 अध्याय उसका 10 वचन असी प्रभु के वचन के विचों पढ़ा। परमेश्वर की कृपा के अनुसार जो मैनू दान हुई है, मैं सियाणी राज मिस्त्री वांगू नी रखी अते दूजा उस उत्ते उसारी करता है, सो हरेक सुचेत रहे भाई किस तरह की उसारी करता है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। आमीन। इधर प्रभु के वचन से हमने पढ़ा है, तो इधर प्रभु के वचन के विचों से जो पढ़िया आया, प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, प्रभु का दास कलीसिया नूं लिख रहा है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, मैं सियाणी राजमिस्त्री दे वांगू नींव रखी है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, और दूसरा उस उते उसारी करता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, परंतु हर एक व्यक्ति सुचेत रहे। अच्छी तरह हम इस प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देंगे, तो अच्छी तरह असी प्रभु दे वचन नूं सीखांगे और ध्यान करांगे। प्रभु के दास ने ऐसा क्यों लिखा है कि चौकस रहे, तो इधर प्रभु दे दास नु क्यों ये लिखन दी जरूरत पई के तुसी सचेत होवो। ये बात आप बाइबल में जब पढ़ोगे, तो जदों तुसी ये वचन पढ़ोगे, चौकस रहो शब्द एक गंभीर शब्द है, सुचेत रहो ये शब्द बहुत ही गंभीर है, और इस शब्द के पीछे एक मकसद है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। इस सुचेत रहने का मतलब क्या है, सचेत रहने का मतलब की है, चौकस रहने का मतलब क्या है, सचेत रहने का मतलब की है। हम बड़े ध्यान से जब कोई काम करते हैं, तो जब असी कोई भी काम बड़े ध्यान दे नाल करते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, बड़ा जरूरी काम करते हैं, जो बिगड़ जाए तो शायद बनना मुश्किल है, तो जो काम असी करते हैं वो खराब हो गया तो दोबारा बनना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हम एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, तो फिर असी एक दूसरे नु सचेत करते हैं, चौकस करते हैं कि चौकस रहना, कि सचेत होयो, ध्यान देना, बड़े ध्यान दे नाल ये काम करियो, बड़े अच्छे से करना, बड़े ध्यान ना करियो। इधर प्रभु का दास इस बात के ऊपर जोर दे रहा है, तो प्रभु का दास भी इधर उन्होंने सचेत करता और ध्यान दवांदा है कि मैंने जो नींव रखी है, जेड़ी मैं नींव रखी है, ये जो नींव डाल दी है, तो जो नींव मैं रख दीती है, उसके ऊपर दूसरा रद्दा रखने आएगा, तो दूसरा ओदे उते उसारी करन दे लई आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब की है, ये जो बात इधर लिखी गई है, और जेड़ी गल इधर प्रभु दा वचन लिखिया गया है, ये एक शरीरिक बात की उदाहरण दी गई है, तो इधर एक संसारिक गल दी उदाहरण दी गई है। ये संसारिक बात क्या है, संसारिक गल की है, एक घर अगर अच्छा बनाना है, तो एक घर अगर वधिया बनाना है, ता मजबूत बनाना है, तो उनु बड़ा वधिया बनाना है, ता सबसे पहले उसकी नींव
अच्छी रखनी पड़ती है। सब तो पहला घर दी नींव बड़ी चंगी तरीके ना रखनी पेंदी, बड़ी मजबूत नींव रखनी पड़ती है। तो बड़ी ही मजबूत नींव रखनी पेंदी है। अगर आपने घर बना दिया, अगर तुसी घर बना दिता, बीच में अगर किसी दीवार में या किसी साइड दीवार में या किसी कोने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मान लो किसी कंध के ऊपर समस्या आ गई, त्रेड़ पै गई, आप दीवार तोड़ के जल्दी बना सकते हो, तो तुसी ओनू तोड़ के तो जल्दी मरम्मत कर सकते, दोबारा बना सकते, दीवार तोड़कर ठीक कर सकते हो, तो कंध नू तोड़ के तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन नींव डालना आसान नहीं है दोबारा, लेकिन दोबारा नींव रखनी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रभु का दास बोल रहा है, इसलिए प्रभु का दास इधर लिख रहा है, मैंने जो नींव डाल दी है, मैं जो नींव रख दी है, अब उसके ऊपर जो रद्दा रखता है, तो ओदे उत्ते जिहड़ा उसारी करता है, वो ध्यान दे, वो बड़ा चौकस होवे, सुचेत होवे, काम कैसे करना है और ओदे विच काम करना किवें है, इसमें सुचेत किधर रहना है और इधर चौकस किवें होना है, क्योंकि ये पूरी आत्मिक सेवा की बात है, क्योंकि इधर एक आत्मिक सेवा की गल है। रद्दा रखने का अर्थ क्या है, उसारी करन दा मतलब की है, जैसे एक दीवार को हम बनाते हैं, जिवें एक कंध नु असी बनाउने आ, और एक एक ईंट रख कर रद्दा रखते रखते वो दीवार आगे बढ़ती जा रही है, तो एक एक ईंट दी उसारी करदे करदे कंध पूरी हुंदी है। इस तरीके से, इस तरह जब हम प्रभु की सेवकाई में हैं, असी प्रभु दी सेवकाई दे विच आ, एक एक व्यक्ति उस ईंट की तरह है, जो लगते जाएगा तो दीवार बनती जाएगी, तो ओवें ही एक एक प्रभु दे विच आउण वाला विश्वासी आ, जो जुड़दा जांदा है और एक आत्मिक दीवार कंध बनदी जांदी है। दीवार सिर्फ बनना काफी नहीं है, कंध सिर्फ बनना ही काफी नहीं है, पूरा भवन बनना है, पूरा भवन तैयार होना है, भवन बनेगा तो पूरा मंदिर तैयार होगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी, परमेश्वर की हजूरी उधर नजर आएगी, उस भवन का मालिक उसमें वास करना है, और उस मंदिर का मालिक उधर वास करना है। इसलिए हमारे जीवन में, इसलिए साडे जीवन दे विच हमने इस बात के ऊपर ध्यान देना है, असि इस गल दे ऊपर ध्यान देना है, प्रभु में सिर्फ आना काफी नहीं है, प्रभु दे विच सिर्फ आना ही काफी नहीं है, मसीह जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रभु दे विच मसीही जिंदगी च असी अगे वधना है। नहीं तो कई लोग बोलते हम 20 साल के विश्वासी हैं, नहीं तो सानू साल दा पता कि असी 20 साल तो प्रभु दे पीछे चलदे हैं, हम 15 साल से प्रभु सानू ते 15 साल हो गए हैं, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक तरक्की या उन्नति नहीं है, लेकिन उन्हां दे जीवन दे विच आत्मा दे विच कोई भी तरक्की नहीं है, क्यों नहीं है, और ये गल क्यों आ, अच्छे तरीके से प्रभु में कैसे बढ़ना है, चंगी तरह प्रभु जगे किवें वधना है, किस तरीके से परमेश्वर की उस जो उस सारी के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो जो समान तैयार किया गया उस सारी दे लिए उदे विच किवें अगे वधना, वो अपने जीवन च उन्हूं लिया ही नहीं है, वो उन बातों के ऊपर ध्यान देना है, वो गल्लां दे ऊपर ध्यान देना है, मैं कहां तक बढ़ रहा हूं, मैं कित्थों तक आ गया हां, मैं प्रभु में आया तो हूं, मैं प्रभु दे विच तो आ गया, मेरा काम क्या है और मेरा की काम या होना। कुछ लोगों के जीवन को हम जब देखते हैं, तो कुछ लोगों के जीवन नु जदों असी देखदे हां, प्रभु में आने के पहले भी दुखी थे, तो प्रभु तो आने तो पहला भी दुखी सी, प्रभु में आने के बाद भी दुखी है, तो प्रभु दे आन दे विच भी दुखी है, वो दुख का ही जीवन जीते हैं, बस वो दुख दा ही जीवन जिउंदे आ, उनके जीवन में कोई काम ही नहीं हुआ परमेश्वर, उन्हां दे जीवन दे विच परमेश्वर दा कोई काम होया ही नहीं है, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं, वो अपनी मन मर्जी दे नाल जीवन जिउंदे आ। अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, जिस काम के लिए प्रभु ने मेनू चुनिया और सद्या है, जिस काम के लिए मैं चुना गया हूँ, जिस काम के लिए प्रभु ने मेनू बुलाया है, वो काम मेरे जीवन में होना है, तो वो काम मेरे जीवन दे विच होना है। इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, तो इधर प्रभु दा वचन जो असी पढ़िया है, अच्छी तरह ध्यान दे, चंगी तरह ध्यान दियो, जब रद्दा रखा जाता है, तो जब उसारी कीती जांदी है, एक मिस्त्री के पास साहूल होती है, तो एक मिस्त्री दे कोल जिहड़ा आया वो एक मिन्न वाला साल हुंदा है, वो क्यों होता है और वो क्यों होता है कि एक दीवार जब आगे बढ़नी है, तो एक दीवार जब कंध ऊपर नु लेके जानी है, कोई भी ईंट जो लेवल है उससे आगे नहीं आनी, तो कोई भी जेड़ी ईंट है वो इधर उधर ना होवे, बल्कि बिल्कुल लेवल दे विच होवे, बिल्कुल बराबर होनी और बिल्कुल बराबर दिखाई देनी है। ऐसे नहीं जैसे
आगे पीछे इट रखने से गाड़ी चलेगी ऐसा काम नहीं है। तो कंध ने कोई इट किथे रख दी थी, कोई बाहर कोई अंदर, इस तरह की कंध वधिया नहीं है। इसलिए प्रभु का दास बड़ी गंभीर बात इधर बोल रहा है। तो इधर प्रभु का दास बहुत ही गंभीर गल लिख रहा है। उसने अच्छे से नींव डाली है, उन्हें बड़ी चंगी तरह नींव रखी है। एक विश्वासी की मसीह जीवन में सही नींव नहीं है तो, अगर एक विश्वासी की चंगी तरह नींव नहीं रखी, अगर नींव मजबूत नहीं है तो, अगर नींव मजबूत नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर का काम कभी होगा ही नहीं। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का काम कदे होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले सब तो पहला एक बड़ी बात, सब तो बड़ी गल, मसीह जीवन में एक व्यक्ति की नींव सही होनी है। मसीही जीवन दे विच एक व्यक्ति दी नींव वधिया होनी चाहिदी है। अगर नींव सही नहीं होगी तो, अगर नींव सही नहीं होगी तो एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का काम नजर दिखाई नहीं देगा। जैसे प्रभु के प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसे जिवें प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, दो घर है, दो घर दी उदाहरण दी, एक की नींव चट्टान के ऊपर रखी है और एक घर जिहड़ा वो पत्थर दे ऊपर चट्टान ते बनाया गया, दूसरी रेत के ऊपर रखी है, तो दूसरा रेत दे ऊपर बनाया गया। आजकल हम देखेंगे तो, अगर असी आज देखांगे, आज भी हमें इस दुनिया में दो घर दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी सानू इस धरती दे ऊपर दो तरह के घर दिखाई देंदे है। एक ऐसी कलीसिया तैयार हो रही है, एक तो इस तरह की कलीसिया तैयार हो रही है जो वचन के अनुसार है, तो जो इस वचन के अनुसार है, जिसकी नींव चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखी गई और जिसकी चट्टान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखी गई है, जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर रखी गई है। और दूसरी एक झुंड दिखाई दे रहा तो है, एक और झुंड दिखाई दे रहा है, वो रेत के ऊपर है, तो नींव रेत के ऊपर है, वो भी यीशु का नाम ले रहे हैं, वो भी नाम तो यीशु का लेंदे है, लेकिन वो नींव यीशु के ऊपर नहीं रखी जा रही, लेकिन वो जिहड़ी नींव है यीशु के ऊपर नहीं रखी जा रही, यीशु मसीह की वस्तुओं के ऊपर नींव रखी जा रही, यीशु मसीह दी वस्तुओं के ऊपर रखी जा रही है, उसका नाम लेकर नींव वस्तुओं के ऊपर रखी जा रही। प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेंदे हैं, लेकिन नींव संसारिक चीजों पे रखते हैं। कैसे? तो किवें? सही नींव क्या है और सही नींव की है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु मसीह के बारे अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करना। रेत की नींव क्या है? रेत दी नींव की है? कुछ नहीं समझने की जरूरत, कुछ समझन दी जरूरत नहीं, यीशु मसीह के पास आने से, बस प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउन दे नाल अच्छा घर मिल जाएगा, वधिया कार मिल जूगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, एक गड्डी वधिया मिल जाऊगी, बीमार है तो चंगे हो जाएंगे, बीमार है तो चंगे हो जावांगे। उनको ऐसे लोगों को जब 10 साल के बाद भी पूछोगे तो जदो एदा दे लोगों नु तुसी 10 साल दे बाद भी पूछोगे, उनके मुंह से क्या निकलेगा, उन्हां दे मुंह दे विचों केड़ी गल निकलदी है? हम तो जब भी बीमार होते तभी चर्च में चले जाते हैं, असी तो जदो समस्या परेशानी बीमार होने बस उदो ही चर्च जाने हैं। हम प्रभु को बहुत याद करते हैं, असी प्रभु नु बड़ा मानते हैं, कब कब, लेकिन मानते कदों हैं? जब बीमार हो जाते हैं, जदो बीमार होने हैं, मंदी आ जाती है तो रोजगार नहीं चलता, जब हमारे घर में समस्या आ जाती है, जदो समस्या आती है हम तब ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उदो असी बड़ी प्रार्थना करते हैं, तब हम पास्टर को भी जीने नहीं देते, फिर ते पास्टर नु भी सौन नहीं देते, फोन ते फोन करते हैं, उसको भी हम सारी रात जगाते हैं, तो ओनू भी सारी रात ही जगाने हैं, क्यों और क्यों? नींव वस्तुओं के ऊपर रखी गई है, और क्योंकि यदि नींव है जेड़ी उस संसारिक चीजों पे रखी गई है। आजकल आपको दो ये घर देखने को मिलेंगे, आज भी तानू इस तरह के दो घर नजर आएंगे। लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत खेल तमाशा किया जाता है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए बहुत तमाशे किए जाते हैं, बहुत कुछ बोल दिया जाता है, बड़ा कुछ दसिया भी जाता है, पोस्टर भी अच्छे से लगाए जाते हैं, बैनर ते पोस्टर बड़े वड़े वड़े लाए जाते हैं, अंधों की आंखें खुल जाएंगी, इधर तो अन्य अन्य आंखें खुल जाएंगी, सब रोगी आ जाओ, तो जिन्निया परेशानियां वाले रोगा वाले आ जाओ, तो अच्छा भला इंसान पढ़ के क्या बोलता है, तो जो इंसान उन्होंने पढ़ता है, जो अच्छा भला है वो जब पढ़ता है, जो बड़ा वधिया इंसान पढ़िया लिखिया पढ़ता है, वो बोलता है मेरे काम का यीशु नहीं है, ये तो मेरे काम का यीशु नहीं है, ये तो अंधे लंगड़ों के लिए पोस्टर है, ये तो सिर्फ जो बीमार है उन्होंने लिए है, इधर तो लिखा आशीषे पाने के लिए, इधर तो बरकतों बारे लिखा है, इधर तो लिखा चंगाई पाने के लिए, इधर लिखा भी आजो चंगाई पानी है, तो इधर तो भूत निकालने के लिए बोल रहे, इधर तो दुष्ट आत्मा तो छुटकारा पा लिया, तो जिसके अंदर भूत नहीं है
तो जिदे अंदर भूत नहीं है, जिसके पास पहले ही बहुत पैसा है, जिदे कोल तो पहले ही धन दौलत या संसार दी वस्तुआं है, जिसके पास सब कुछ है, जिदे कोल सब कुछ है, वो बोलता है ये यीशु मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है इस तरह का यीशु नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को तो सब कुछ है, मैं ना तो अंधा हूँ, मैं ना अन्ना है, मैं ना लंगड़ा हूँ, ना मैं लंगड़ा है, ना मैं गरीब हूँ, ना मैं गरीब है, ना मेरे अंदर भूत घुसा है, ना ही दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है, मेरे को क्या जरूरत है, मैनू इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, तुहानू समझ आ रही है, नींव रखते समय किधर गलती है, नींव रखते समय गलती किधर होगी, इसलिए हम एक बात के ऊपर जोर देते हैं, इसलिए असि इस गल दे ऊपर जोर दिने हैं, एक बड़ी बात हम सिखाते हैं, एक वड्डी गल असि सिखाउने हैं कि हमारी नींव यीशु मसीह के ऊपर कैसे स्थिर होनी है, हम साडी जिहड़ी नींव आ प्रभु यीशु मसीह दे ऊपर किवें मजबूत होनी है, शुद्ध सुसमाचार क्या है और सही शुभ समाचार की है। अगर एक व्यक्ति को सही सुसमाचार नहीं सीखने को मिला, अगर एक विश्वासी नु जा व्यक्ति नु सही शुभ समाचार सीखने का मौका नहीं मिलिया, तो एक व्यक्ति के जीवन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह कौन है करके उसको समझ ही नहीं आएगा, तो उस व्यक्ति नु प्रभु यीशु मसीह है कौन चंगी तरह कभी पता लगूगा ही नहीं। पौलुस का नींव रखने का तरीका क्या है, और प्रभु दा दास पौलुस जो नींव रखदा सी वो किस तरह रखदा सी, वो क्या बोलता है और वो किवें नींव रखदा सी, उसके नींव का मुख्य उद्देश्य क्या था, और वो जो नींव रखदा ही उदे पीछे दा मुख्य कारण की सी, वो क्या बताता था और वो की प्रचार करदा सी, उसका प्रचार क्या था, उदा प्रचार की सी, उसके लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ लें, तो ओदे लिए सी प्रभु दे वचन दे विचो पढ़ांगे, पहला करंथियों उसका एक अध्याय, उसका 22 वचन पढ़ेंगे, और उदा 22 वचन असी पढ़ांगे, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 22-23, पहला करंथियों एक अध्याय उसका 22 और 23 वचन, यहूदी तां निशानियां मंगदे अते यूनानी बुद्ध पालदे हन, पर असी सलीब दिते होए मसीह दा प्रचार करदे हां, ओ यहूदियां दे लेखे ठोकर दा कारण अते पराईयां कौमां दे लेखे मूर्खता ही है। बस यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। इधर प्रभु का दास क्या बोल रहा है, तो इधर प्रभु का दास पौलुस की बोल रहा है, यहूदी तो चिन्ह मांगते हैं, तो यहूदी तो निशानियां मांगते, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, तो यूनानी बुद्ध पाल दे, लेकिन हमारा काम क्या है, लेकिन असी की कर दे, यूनानी ज्ञान की खोज में है, ते यहूदी जिहड़े निशानियां मांगदे आ, यूनानी ज्ञान की खोज में है, ते यूनानी बुद्ध पालदे आ, और यहूदी चिन्ह मांगते हैं, तो यहूदी निशानियां मांगदे आ, कितने लोग आज क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग आज की बोलते हैं, हमारे चर्च में तो बड़े बड़े काम होते हैं, साढ़े चर्च दे विच ते जिन्ने काम होंदे आ बहुत वड्डे वड्डे काम होंदे आ, बड़े चमत्कार होते हैं हमारे चर्च, तो बड़े चमत्कार साड़ी कलीसिया च हो रहे हैं, ये आज नहीं चमत्कार देखने वाले लोग थे, ये ओदो भी चमत्कार वेखन वाले लोग सी, आज ही नहीं पैदा हुए, आज ही पैदा नहीं हुए, यहूदी भी चिन्ह चाहते थे, ते यहूदी भी निशानियां मांगदे सी, इसलिए पौलुस ने लिख के दे दिया, इसलिए प्रभु दे दास पौलुस ने लिख के दिता, यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यहूदी निशानियां मांगदे आ, यूनानी ज्ञान ढूंढते हैं, ते यूनानी बुद्ध पालदे आ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लेकिन असी की करदे आ, हम क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते, असी सलीब दिते हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते, हमारे प्रचार का मेन उद्देश्य क्या है, साडे प्रचार का मुख्य उद्देश्य की है, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु किसके लिए था, यीशु मसीह की सलीबी मौत क्यों सी, सुसमाचार का मुख्य बात क्या है, सुसमाचार की मुख्य गल की है,
प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु किसके लिए था? प्रभु यीशु मसीह दी सलीबी मौत केस गल दे लई सी। प्रभु यीशु मसीह किसी एक मनुष्य के लिए इस दुनिया में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह किसी एक मनुख दे लिए संसार विच नहीं आए। किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं आया। एक जाति एक धर्म लई नहीं आए। मसीह यीशु क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते क्यों आए? पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आए। पूरे संसार का उद्धार मुक्ति देने लिए आए। कितने लोग इस बात को नहीं समझने के कारण, तो कितने लोग इस गल नु ना समझन दे कारण, परमेश्वर के वचन को अच्छे से ना समझने के कारण, परमेश्वर दे वचन नु चंगी तरह ना समझन दे कारण, उनको क्या लगता है? उन्हां नु की लगता है? शरीर में चंगा होना ही एक बड़ी बात है। तो शरीर दे विच चंगियाई मिल गई, यही बड़ी वड्डी गल है। शरीर में बरकत मिल गई, आशीष मिल गई, यही यहां तक की सीमित है। एक सारी की वस्तु मिल गई, शरीर दे विच चंगाई मिल गई, बस यही बहुत वड्डी चीज है। शैतान ने मनुष्य के साथ धोखा किधर करके रखा? शैतान ने मनुख दे नाल धोखा करके किथे रखा है? रेत पर घर जो बनता है वो फटाफट बनता है। तो रेत दे उत्ते जेड़ा घर बनता बड़ी जल्दी नाल बन तो जांदा है। रेत पे बनने वाले घर के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो रेत दे उत्ते बनने वाले घर दे लई मेहनत नहीं करनी पैंदी। लेकिन मेहनत किसके लिए है? लेकिन मेहनत कादे लई है? एक व्यक्ति के अंदर से शैतान के जो राज्य को तोड़कर मसीह का राज स्थापित करते, उधर है मेहनत। तो एक व्यक्ति नु शैतान दे राज चो कट के परमेश्वर दे राज विच लेके आना, उधर है मेहनत। शैतान के राज में रहकर भी सेवा कर सकते हैं। शैतान दे राज विच रह के भी सेवा कर सकते हैं। ऊपर का शरीर प्रभु का, बारी शरीर प्रभु दा, मन शैतान का। तो मन शैतान दा। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? कितने लोग एवे कर रहे हैं? शरीर में दुख है तो प्रभु यीशु का नाम लेंगे। शरीर दे में तकलीफ है तो प्रभु यीशु दा नाम लेंगे। लेकिन मन में किसी और को बसा के रखा है। मन दे अंदर किसी होर नु रखा है। उनकी सोच क्या है? उन्हां दी सोच की है यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है कौन? जैसे एम्बुलेंस का नंबर है ना, जल्दी जल्दी बुला लो, ऐसे इसके पास चले जाए। जिवें एम्बुलेंस का नंबर है कि जल्दी जल्दी डायल करो तो जल्दी आ जाते हैं। कहीं से जब डॉक्टर का भी फोन बंद है, तो अगर डॉक्टर का भी फोन बंद है तो पुकारो आप यीशु भगवान, बस हूँ फोन लाओ यीशु मसीह नु। ये सही व्यक्ति के जीवन में काम नहीं हुआ। ये सही नीदा काम नहीं है। इसको किसी और बाबा से चंगाई मिल गई। एनु तो किसी और बाबे तो चंगा हो गया। ये तो उसका नाम जपने लग जाएगा। ये उदा नाम ही जपन लग जूगा। क्योंकि इसके अंदर काम हुआ ही नहीं सही। क्योंकि एनु सिर्फ बाहरी तौर पे चंगाई चाहिए, अंदर काम नहीं होया। इसलिए आज सबसे बड़ी बात क्या है? इसलिए आज सब तो बड़ी गल की है। लोग तो कैसे तैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो लोग तो किसी तरह भी भीड़ इकट्ठी हो सकती है। लेकिन बात है क्या सही नींव रखी जा रही है? तो जरूरी ये है कि सही नींव रखी जा रही है। अगर नींव ही सही नहीं है तो, अगर नींव सही नहीं है, एक मनुष्य कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा? तो एक मनुष्य किवें आत्मिक जीवन दे विच अगे वधेगा? आज का सिस्टम क्या चालू हो गया? तो आज प्रोग्राम की चल रहा है? अपने दिमाग से अपना अपना झंडा लेके लोग चलने लगे हैं। तो अपने अपने तरीके ना आपदा झंडा उच्चा कर रहे हैं। कैसे न कैसे रेत पर अपना अपना जिसके हाथ में जो आया मटेरियल वही इस्तेमाल करके घर बना रहा है। जिन्हों जिमे संसारिक बुद्ध मिल गई और रेत ऊपर घर बनाता जा रहा है। रेत पर घर बड़ी जल्दी आपको दिखने लग जाए। रेत रे उत्ते बड़ा वधिया घर तुहानू जल्दी नजर आऊगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये ते मीडिया का जमाना मानना है। आपको बहुत घर दिखेंगे, तानू बड़े घर दिखेंगे। ऐसे ही आप कुछ ना कुछ खोलोगे, जिवें तुसी मोबाइल नु खोलोगे, नए नए घर आपको दिखेंगे, नवे नवे घर तानू दिखाई देंगे, नई नई बिल्डिंगें दिखेंगी, नवे नवे मकान नजर आएंगे, मंजिला। उसका अर्थ क्या है? ओदा मतलब की है? कैसे ना कैसे, किवें ना किवें, लोग मुझे भी जानना है, लोग मेनू भी जानन, मैं भी कुछ हां। यीशु का नाम कोई जाने या ना जाने, प्रभु यीशु मसीह नु कोई जाने या ना जाने, मेरे द्वारा क्या है लोगों को मालूम होना चाहिए। मेरे द्वारा की हो रहा लोगों को कम से कम पता लगे। मेरे हाथ रखने से क्या हो रहा लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं हाथ रखा दे की होया लोगों को पता लगे। यीशु मसीह कौन है करके वो बोलने का टाइम नहीं है। यीशु मसीह ने तड़ली कीता की वो दसन का समा नहीं है। एक व्यक्ति शैतान का गुलाम है, उसको कैसे निकालना वो बात बताने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति शैतान का गुलाम है, उन्हें किवें परमेश्वर दे राजियोना हो नहीं दस रहे। शैतान ने बड़ी चलाकी की है। शैतान ने बड़ी बड़ी चलाकी की थी है। बड़े बड़े लोगों के साथ है, बड़े बड़े लोग का दिना लिया। यीशु का नाम हटाकर, यीशु मसीह का नाम हटाकर, खुद का नाम आगे कर और अपना नाम आगे कर रहे हैं। इसलिए आज कलीसिया में गड़बड़ी है। इसलिए कलीसिया दे विच गड़बड़ है। इसलिए कलीसिया में सही काम नहीं।
इसलिए कलीसिया दे सही नींह रखी नहीं जा रही क्योंकि सब अपना अपना झंडा उच्चा हो जावे। इसलिए उन्होंने मिलकर एक बाबुल का घुम्मट बनाना शुरू किया। इसलिए उन्होंने बाबुल का एक बुर्ज बनाना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा घुम्मट बना दिया, उन्होंने बड़ा बुर्ज बना दिता। वो बुर्ज घुम्मट बनाने का उद्देश्य क्या? वो बुर्ज बनाने के पीछे का मुख्य कारण की सी? हम अपना नाम ऊंचा करेंगे, साडा नाम ऊंचा होएगा, हमें भी लोग जानेंगे, सानू भी लोग जानेंगे। मेरे प्यारो सेवा हमने प्रभु के लिए करना है, सेवा तो प्रभु के लिए करनी है। अगर कोई बाबुल का घुम्मट इस पृथ्वी में दिखाई दिया तो, अगर बाबुल का बुर्ज कोई दिखाई देता तो, अगर कोई मिनिस्ट्री बाबुल का घुम्मट बनने की कोशिश की तो, अगर कोई भी सेवकाई दे विच बाबुल का बुर्ज खुद बन रहा तो, बाबुल का घुम्मट गिराने वाला आज भी जिंदा है, बाबुल का बुर्ज टेकन वाला आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा है। अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देगा, अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देगा, क्योंकि सारी महिमा के योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि सब महिमा दे योग परमेश्वर है। पूरी महिमा उसी की है, पूरी महिमा उस परमेश्वर की है। मनुष्य इस काबिल नहीं है कि वो परमेश्वर की महिमा को ले, मनुख इस योग नहीं है कि परमेश्वर की महिमा नु ले। इसलिए अति जरूरी है, इसलिए बड़ा जरूरी है हम परमेश्वर के वचन की सहायता ले, असि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, और इस वचन के अनुसार प्रभु ने जो हमें काम सौंप दिया है उसको करें, और जो काम परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार सौंपिया उस प्रकार वो सारी करिए। सिर्फ सेवकों की गलती नहीं है, सिर्फ सेवकों की गलती नहीं है, लोगों की भी सोच क्या है, लोगों की भी सोच की है। हमें कहीं से भी आशीष मिल जाए, सानू कितों भी बरकत मिल जाए, हमें कहीं से भी आशीष मिल जाए, बरकत चाहिए है। चाहे कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी काम क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की जगह दुष्ट आत्मा भी काम करता है तो हमें आशीष मिलनी चाहिए, पवित्र आत्मा की जगह दूसरा आत्मा भी काम करता तो बरकत चाहिए। चाहे दुष्ट आत्मा है तो भी चलेगा, चाहे दूसरा आत्मा तो भी चलूगा, लेकिन हमें आशीष मिलनी चाहिए, लेकिन सानू बरकत चाहिए, हमें मंजूर है, सानू बस मंजूर है। कोई भी आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, हमें इस संसार में आशीष देने वाला पास्टर होना चाहिए, सानू बस बरकत देने वाला एक प्रभु का दास होना चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो आशीषें बांटने वाला, बस एक व्यक्ति चाहिए जो बरकत की बारिश कर दे। इस संसार की आशीष क्या है? इस संसार की बरकत है कि घर, कार, पैसा, पैसा, धन दौलत, धन दौलत, यही सब तो आशीष में गिना जाता है, ये सब तो संसार दी वस्तुएं हैं। लेकिन मेरे प्यारो आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, जब तो तुसी प्रभु दे वचन पढ़ोगे, जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके मान लिया है, जिस कड़ी तुसी प्रभु यीशु मसीह नु मुक्ति दाता करके मान लिया, आपको आशीष पाने के लिए इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। तद तानू संसार दिया बरकत लैन दी इच्छा चली गई, आशीष पाने की जरूरत, वो इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है, तानू वो इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसने आपको शैतान के राज्य में से निकाला है, जिसने तानू शैतान के राज्य को कटाया, उसने मृत्यु का अधिकार आपसे हटाया, उन्हें मौत तो तानू छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, पाप तो छुड़ाया, शराब से छुड़ाया, शराब तो छुड़ाया, शैतान से छुड़ाया, शैतान तो छुड़ाया, अपने राज्य में प्रवेश करवाया, और अपने राज्य में प्रवेश करवाया, आप तभी आशीष पाए हुए लोग बन गए थे। उस दिन तो ही तानू आशीष मिल चुकी है, आप आशीष पाए हुए हो, तुसी आशीष पाए हुए लोग हो। आशीष मांगने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बरकत मांगने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, पर आशीष मांगने के लिए आपको लंबे लंबे उपवास रखने की जरूरत नहीं है, बरकत लेने के लिए बड़े बड़े व्रत रखने की जरूरत नहीं है, आशीष पाने के लिए आपको कोई अनॉइंटेड वाटर या ऑयल की जरूरत नहीं है, तो बरकत पाने के लिए तानू अभिषेक तेल की जरूरत नहीं है, नहीं तो छोटी छोटी बोतलें लाके घर में रखी होगी आपने, नहीं तो फिर तुसी छोटिया छोटिया तेल दिया बोतलों से पानी ले आके रखा होगा। ये होली वाटर है, ये पवित्र पानी है। कैसे किवे? ये तो उस पास्टर ने बोला इसको रखो घर पे, ये पास्टर ने क्या सी कि इनु मोल लो ते करे जाके रखो। हमारा आधार ये वचन है, साडा आधार ते ये प्रभु दा वचन है, कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुख नहीं, हमारी नींव इस वचन के ऊपर होनी है, साडी नींव इस वचन दे अनुसार होनी है, हर काम वचन के अनुसार होना है, और हर एक काम प्रभु दे वचन दे अनुसार होना है। जो आप शब्द बोल रहे हो इसमें लिखा होना चाहिए, और जो तुसी गल करदे हो वचन दे अनुसार होनी चाहिए,
ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੀਵ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਰੇਤ ਪਰ ਨੀਵ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਔਰ ਜੋ ਰੇਤ ਤੇ ਨੀਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨੀਵ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੀਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੇਤ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਕਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਕਦੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ आपकी सोच क्या है ताड़ी सोच की या हम इस पृथ्वी में ही अच्छे हैं असी बस इस धरती ते ठीक है असली आशीष क्या है हमारे जीवन में लेकिन असली बरकत साड़े जीवन च है कि मुझे मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मिल गया मेनू मेरा बनाउण वाला सृष्टिकर्ता मिल गया मुझे मेरा उद्धारकर्ता मिल गया मेरा मुक्ति दाता मिल गया आशीष जकई से पूछो जक्की नु पूछो आशीष बरकत दे बारे यीशु मसीह तेरे घर में आया प्रभु यीशु मसीह ताडे घर दे विच आए आशीष आपको मिला क्या और तानू मिलया की जकई के पास क्या था जकी दे कोल की सी पैसा था पैसा सी धन दौलत था धन दौलत सी लेकिन यीशु मसीह उसके घर में आया प्रभु यीशु मसीह दे घर दे विच आए उसको मिला क्या ओनु मिलया की क्या आपने कभी वो वचन पढ़ा है कि तुसी कभी वो वचन सुनया जा पढ़या है प्रभु यीशु जकई के घर में आया जकई को क्या मिला जकी दे घर दे विच प्रभु यीशु मसीह आए ओनु की मिलया क्या मिला उसको की मिलया जो था वो भी चला गया जो सी वो भी चला गया जो था वो भी चला गया ओदे कोले जो सी वो भी चला गया क्या मैं सही बोल रहा हूं की मैं सही बोल रहा है क्या मैं सच बोल रहा हूँ की मैं सच बोल रहा है जब यीशु जकई के घर में है जदों प्रभु यीशु मसीह जकी दे घर दे विच आ जकई को समझ में क्या आया और जकी नु समझ की आया आज तक जो मैंने इकट्ठा किया है आज तक जो मैं जोड़ आया ये सब नाशवान है ये तो संसार का कूड़ा नाशवान है लेकिन ये जो मेरे घर में आया है ये जो मेरे घर दे विच खड़ाया ये अनंत काल तक रहेगा ये सदा तक रहने वाला है हमें इकट्ठा क्या करना है असी की इकट्ठा करना है जो सदा रहने वाला हो जो सदा तक रहने वाला है आपने गाड़ी ली तुसी गड्डी ली प्रभु का धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद आपने मोटरसाइकिल लिया तुसी मोटरसाइकिल लिया प्रभु का धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद आपने दो मंजिल कोठी बना ली प्रभु का धन्यवाद बड़ी बड़ी कोठी तुसी पाली दो मंजिला पाली प्रभु का धन्यवाद प्रभु ने आपको दिया है हम धन्यवाद करते हैं चलो प्रभु ने दे दिया प्रभु का धन्यवाद इस पृथ्वी में रहते समय हमें बहुत वस्तुओं की जरूरत होती है इस धरती पे रहते हैं ना चीजें दी भी जरूरत है आप ध्यान रखना पर ध्यान रखियो आप इस पृथ्वी के नागरिक नहीं हो इस गल नु चंगी तरह ध्यान करियो जदो ही प्रभु यीशु मसीह नु कबूल कर लिया तुसी इस संसार दे नहीं हो आप सदा रहने वाले नहीं हो तुसी सदा रहन वाले नहीं हो मैं अपने घर में कभी भी कोई चीज लाता हूँ मैं अपने घर दे विच जदों भी कोई चीज लेके आउणा है सेवा के लिए जा मेरी जरूरत के लिए कुछ भी जरूरत पड़ती है सेवा दे विच जरूरत है मेरे परिवार नु किसी चीज दी जरूरत है मेनू जरूरत है मेरे दिमाग में एक बात पहले ही मैंने बिठा के रखी है तो पहला ही मेरे दिमाग दे अंदर एक चीज मैं रखी है कुछ भी नया ले आओ कुछ भी नवा ले आओ खुशी होती है बड़ी खुशी हुंदी है लेकिन एक कड़वी सच्चाई है लेकिन एक ठोस सच्चाई की है मान लो आज मैंने नई कार निकाली है मान लो उदाहरण के लिए आज ही नई गड्डी में ली है खुशी तो है मुझे बड़ी खुशी तो हुआ लेकिन एक कड़वी सच्चाई क्या है लेकिन एक ठोस सच्चाई की है आज मेरा यीशु आएगा तो अगर आज ही प्रभु यीशु मसीह की आमद हुंदी है मेरे पड़ोसी के लिए है ये लेकिन वो नई गड्डी मेरे गवान ओना दी लई है मेरा पड़ोसी मेरी गाड़ी को अच्छे से चलाएगा फिर वो गड्डी मेरी नहीं रहू मेरा गवांडी चलाएगा मेरा घर है वो भी पड़ोसी के लिए बड़ा वधिया कार वो भी गवांडी दे लई अच्छा मोटरसाइकिल है वो भी पड़ोसी के काम आने वाला मोटरसाइकिल वो भी गवांडी दे लई है जो हमने पैसे रखे है ना छुपा छुपा के किसी को भी घर पे आ जाए तो बोलते जल्दी जल्दी पत्नी को बोलते छुपा दे ते जो जोड़ जोड़ के छुपा के बच्चा तो भी पत्नी तो भी पैसे रखे है कोई पड़ोसी घर में आ जाए तो पत्नी को बोलते फटाफट चादर के नीचे छुपा दे कोई गवांडी आ गया तो अपने जल्दी जल्दी इनू ना पता ला जाए दूर ही रख दे चादर के थले रख दे ध्यान रखना पर ध्यान रखियो अचानक प्रभु आ जाएगा अचानक ही चोर दी न्याय प्रभु आ जाएगा आप तो चले जाओगे तुसी तो चले जाओगे
मौज बाजू वाले को लग जाएगी, गवांडी नू मौज लग जाऊगी। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखियो, आपकी जरूरत के लिए आप कुछ भी ले रहे हो, ताड़ी जरूरत ली तुसी कुछ भी ले रहे हो, आपके पड़ोसी के लिए भी है, ध्यान रखना। यही गल याद रखियो, ताड़े गवांडी ली लई आ, वो उसी के काम आने वाला है, किसी ना किसी दिन इन्हां नू वरतूगा। हमारी कलीसिया में भी, साड़ी कलीसिया विच भी, जो लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं उनको बड़े हक से बोला हूँ, मैं उन्होंने बड़ी दलेरी ना किया, प्रभु यीशु आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह बदला ते आने वाला है, हम उसके साथ जाने वाले हैं, असि उहदे नाल जाण वाले हैं। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, हमारे घर की चाबी यहाँ ही पड़ी रहती है, घर की चाबी इतने टंगी है, ये एक्टिवा की चाबी है, ये एक्टिवा की चाबी है, ये गाड़ी की चाबी है, ये गड्डी की चाबी है, हमारे जाने के बाद आपको पूरा हक है इनके ऊपर, आप चलाना पीछे साढ़े जान तो बात अनु पूरा हक है तुसी चलायो, क्योंकि आप बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन आप हमें जानते हो, क्योंकि तुसी बपतिस्मा नहीं लिया तुसी इत्थे ही रहना, तुसी सानू जानदे ते चला लियो, अच्छे से घर इस्तेमाल करना पीछे, ते घर भी वरत लियो, ये एक सच्चाई है, एक ठोस सच्चाई है। इन्हीं आशीषों के पीछे तो हम बसों में, ट्रकों में किधर किधर चढ़कर दूर दूर चले जाते हैं, इन्ना बरकत लैन दे लई असि किन्नी दूर बसां ते ट्रकां ते गड्डियां ते दूर दूर जाने हैं। क्यों क्यों, कौन सी चीजों, कौन सी वस्तुओं के पीछे, केड़ियां वस्तुओं के पीछे भज रहे हैं, शायद इसीलिए भाग रहे हैं कि हमें तो आशा ही नहीं है ऊपर भी जाएंगे, तो मेनू लगता जो एक काम कर रहे उन्होंने आशा नहीं कि असि भी उपर जावे, उनको ये हौसला ही नहीं है कि एक दिन प्रभु हमें ले भी जाएगा, उन्होंने अंदर ये विश्वास दलेरी नहीं है कि प्रभु दे नाल बदलां ते जावांगे, उनको लगता है यही स्वर्ग है, उन्होंने तो स्वर्ग यही लगता है, क्योंकि उनकी नींव किधर रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने नींव कादे ते रखी है, रेत के ऊपर रखी हुई, रेत के ऊपर रखी हुई, उनकी नींव कौन सी बातों में रखी है, उन्होंने नींव केड़िया गल्ला दे विच रखी है, आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, प्रभु आशीष देने दे ली जा रहा है, प्रभु आपके घर में बड़ा काम करने वाला है, मैं देख रहा हूँ प्रभु ताड़े घर दे विच बड़ा वड्डा काम करने दे ली जा रहा है, लोग इतने में खुश हो जाते हैं, बस ये गल सुनदे ही लोग हिलना शुरू, डिगना शुरू, असली नींव क्या है, असली नींव की है, असली बात क्या है बीच की, असली गल विचली केड़ी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर तानू समझ आ जाएगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं, तानू मंगन की जरूरत नहीं, मैं आपके सामने वचन रख रहा हूँ, ताड़े सामने मैं वचन रख रहा हूँ, आदम को परमेश्वर ने पहला मनुष्य पृथ्वी पर बनाया था, आदम नु पहला मनुख जो इस धरती से परमेश्वर ने बनाया, क्या उसको किसी वस्तु को मांगने की जरूरत पड़ी, कि उन्हें परमेश्वर तो कुछ मंगया जानू जरूरत पई, कभी नहीं, उन्हें कभी भी जरूरत नहीं पई, क्योंकि क्योंकि पहला मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहा था, क्योंकि पहला मनुख परमेश्वर की हजूरी दे विच रह रहा है, वो परमेश्वर, उसको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, उन्हें परमेश्वर की हजूरी चाहिए, इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने सब इंतजाम कर दिया था, इसलिए उसने मंगत तो पहला ही इंतजाम परमेश्वर ने कर दिता, राजा अधिकारी था, अधिकार उन्हें दिता, पहला मनुष्य अधिकारी था, पहला मनुख अधिकारी सी, लेकिन शैतान ने क्या बना दिया, लेकिन शैतान ने की बना दिता, अधिकारी को भिखारी बनाया, अधिकारी नु भिखारी बना दिता, आज तक मनुष्य भिखारी बनकर चल रहा है, आज तक मनुख भिखारी बन के चल रहा है, जिनको ये नहीं मालूम था, जिन्हां नु ये पता नहीं सी कि भीख कैसे मांगनी है, भीख मांगनी किवे आ, उनको प्रभु के दासों ने सिखा दिया, उन्हां नु प्रभु दे दासां ने सिखा दिता, लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन प्रभु दे वचन च लिखा मंगोगे तो दिता जावेगा, जिनको भीख मांगनी नहीं आती थी, जिन्हां नु भीख मंगनी नहीं सी आउंदी, उनको भी सिखा दिया है, उन्हां नु भी सिखा दिता है, इसलिए सारा परिवार उठकर सुबह सुबह भीख मांगने में लगे हुए है, इसलिए सुबह उठ के सारा परिवार भीख मांगन च लगे है, अधिकारी था, अधिकारी सी, भिखारी बनाया, भिखारी बनाया, आज भी भिखारी का काम करता जा रहा है, आज भी भिखारी की तरह मांगता जा रहा है, अधिकारी था तो मांगता नहीं था, अधिकारी सी तो मांगता नहीं सी, भिखारी बन गया तो, भिखारी बन गया तो मांगता है, मांगना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर देता, आज भी मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं, हम तो रोज मांगते हैं, असि तो रोज मांगते हैं, कुछ लोगों का बात क्या है, कुछ लोगों की गल की है, पास्टर जी
इस तरह बोलते पास्टर जी, हम तो रोज मांगते हैं, असी तो रोज मांगते हैं, प्रभु हमें रोज देना, ते प्रभु सानू रोज देवे। ये जो भिखारी है ना, ये जो भिखारी है, ये इसको शर्म नहीं है, कहीं भी मांगने लग जाता है, इनू कोई शर्म नहीं होती है, किते भी मंगन लग जाता है, कुछ भी मांगने लग जाता है, कुछ भी मंगन लग जाता है, लेकिन अगर अधिकारी है तो, लेकिन अगर अधिकारी है तो मांगेगा नहीं, वो मांगूगा नहीं, उसको मालूम है मुझे घर में मिलेगा, ओनू पता मेरे मंगन तो पहला मेरे घर दे विच मिलेगा। इसलिए अधिकारियों के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इसलिए अधिकारियों के लिए प्रभु का वचन की कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, ताड़े मंगन तो पहला ताड़ा स्वर्गीय पिता जानता, तनु केड़ियां वस्तां दी जरूरत है, आपको मांगने की जरूरत नहीं, तनु मंगन दी जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर ने भिखारी बनने के लिए नहीं चुना, तनु परमेश्वर ने भिखारी बनने के लिए नहीं चुनिया, आपको अधिकारी बनने के लिए चुना, भिखारी बनने के लिए चुनिया, आपकी नींव किसके लिए डाली है, ताड़ी नींव कादे लिए रखी है, भिखारी बनने के लिए नहीं, भिखारी बनने के लिए नहीं, आपको अधिकारी बनाना, अधिकारी बनाने के लिए, किसका अधिकारी, किसका अधिकारी, परमेश्वर का सब कुछ आपका और मेरा है, परमेश्वर का संगी वारस अधिकारी, परमेश्वर के साथ राज्य करने वाला, परमेश्वर के नाल राज करने वाला अधिकारी, अगर आज भी भिखारी बन के बैठा हुआ है तो, जेकर आज भी भिखारी बने हो, वो कटोरा फेंक देना, वो भिखारी वाला कटोरा सुट दो, ये बोलना मैं भिखारी नहीं हूँ, ये बोलियो मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मुझे समझ में आ गया है, मैनू समझ आ गया, ये पृथ्वी मेरे बाप की है, ये पृथ्वी ये संसार मेरे बाप दा है, पूरा सोना चांदी मेरे बाप का है, पूरा सोना चांदी मेरे बाप दा है, ऐसा ना हो आप दूसरे की गाड़ी को देख के हमें पता नहीं कब मिलेगी, ए ना होवे किसी दूसरे दी गड्डी वेख के मच दे पता नहीं कदों प्रभु देऊगा, दूसरे का मोटरसाइकिल देखते ही आप रोने लग जाओ घर पे आके, हमें तो दिया नहीं, ते बस किसी होर दा मोटरसाइकिल वेख्या ते आके रोन लगे पता नहीं सानू कदों मिलूगा, रोज ही मांगदे आ, अब तो मैं भी दो दिन का उपवास रखूंगी जा रखूंगा, हुण ये पक्का ही धार लिया अगर ये बरकत लेनी ते दो दिन दा वर्त जरूरी है, और ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, ते फिर इदा दे नाल लोग भी जुड़ जाते हैं, चार रविवार आ जाओ, बस चार एतवार आओ, चार बार भीख मांगना है, ते चार बार भीख मांगनी है, मिल जाएगा, मिल जूगा, क्योंकि क्योंकि ये संसार का सरदार क्या बोलता है, ये संसार दा सरदार या जेड़ा वो की बोलता है, क्या बोलता है, की कहंदा है, एक बार प्रणाम कर दे, एक बार मैनू दंडवत कर, सब कुछ मेरा है, सारा कुछ ही दिता जाऊगा, मेरा है, ये सारा कुछ मेरा है, मैं जिसको चाहता हूँ, मैं जिन्नू चाहना है, उसी को देता हूँ, उन्हें दे देना है, इसलिए आज सही वचन में चलने वाला दुख के साथ दिन काट रहा है, इसलिए जिड़ा सही वचन के अनुसार चलने वाला है, सताया जाता दुख के नाल दिन कटता है, लेकिन जो भिखारी बन के चल रहा है, लेकिन जो मंगन वाला भिखारी है, वो तो मजे ले रहा है, वो बड़े मजे लेंदा है, असली विश्वासी दुख में जीवन जीता है, असली विश्वासी तो दुख दे विच जीना है, लेकिन जो भिखारी बन जाता है, लेकिन जो भिखारी है उसको तो मजे ही है, ओनू बड़े मजे, क्यों क्यों, वो किससे मांग रहा है, किसको मांगदा है, इस संसार के सरदार से, वो इस संसार दे हाकम तो मांगदा है, इसलिए मिल रहा है, इसलिए उन्हें मिल जाता है, और मिल भी क्या रहा है, और मिलता भी की है, नाशवान, इस संसार दा कूड़ा, नाशवान, जो नाश होने वाला है, ये शरीर भी हमारा एक दिन नाश हो जाएगा, ये दिखने वाला शरीर भी एक दिन नाश हो जाऊगा, हमारा सब कुछ जो दिख रहा नाश हो जाएगा, जो इस संसार के ऊपर देख रहा सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन असली विश्वासी को किस बात की खुशी है, लेकिन असली विश्वासी नु केड़ी गल दी खुशी है, जो मुझे मिला है, जो मेनू मिल चुकिया है, वो संसार के पास नहीं है, वो इस संसार दे कोल नहीं है, वो संसार के सरदार के पास नहीं है, इस संसार दे सरदार कोल नहीं है, दो गॉड, दो परमेश्वर, दो परमेश्वर, दो परमेश्वर, परमेश्वर कितने, परमेश्वर कितने, पहले तो एक क्या है, एक एक है के दो है, एक क्या जाए, दो, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारी सृष्टि का परमेश्वर, एक वो है, ध्यान दे के सुनो, एक तो वो परमेश्वर जो पूरी सृष्टि नु बनाने वाला है, एक इस दुनिया का ईश्वर है, एक इस धरती का भी ईश्वर है, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का परमेश्वर, उसने अपने आप को इस संसार का परमेश्वर बना के रखा है, उन्हें इस संसार का अपने आप को परमेश्वर बना के रखा है, संसार की कोई भी वस्तु चाहिए तो, संसार की कोई भी वस्तु अगर चाहिए नहीं कहीं से मिल रही तो, कितो भी नहीं मिल रही, उसके पास जाने से मिलेगी, ओ दे को जाओ मिल जाएगी,
हालेलुया हालेलुया। वो संसार का ईश्वर है, वो ये संसार का ईश्वर है, इसलिए ध्यान से पकड़ना, इसलिए ध्यान ना पड़ियो, कहीं ऐसा ना हो आपने जिसको पकड़ा वो संसार का ईश्वर हो, भुलेखे जे संसार दे ईश्वर नु फड़ के बैठे हो। कि मैं जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी तुरंत सुनी जाती है, जदो ही वर्त रखिए रोइए प्रार्थना करिए जो मंगिए मिल जाता है। अगर हमने भैंस के लिए प्रार्थना की, एक माजली प्रार्थना की थी, तो दो दिन के बाद भैंस आ गई, दो दिन बाद माजा भी छट गई। फिर हमने मोटरसाइकिल के लिए प्रार्थना की, फिर मोटरसाइकिल ही प्रार्थना की थी, वो भी आ गया। हमारे घर में मोटर नहीं थी, साढ़े घर थे मच्छी मोटर नहीं लगी सी, वो भी लग गई। ये ध्यान रखियो। दो गॉड है, दो परमेश्वर, एक तो सर्वशक्तिमान है, एक तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक इस संसार का ईश्वर है, एक इस संसार का ईश्वर है, जो यीशु मसीह को आकर क्या बोलता था, जो यीशु मसीह दे बोले है ते की आखदा है, एक बार मुझे झुक के प्रणाम कर दे, एक बार मेनू झुक के मत्था टेक, सब कुछ मिल जाएगा, सारा कुछ ही मिल जाऊंगा। इसको बोलते असली नींव, इनू बोलते असली नींव। आप क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे तुसी क्यों चल रहे हो, इस संसार की वस्तुओं पाने के लिए, इस संसार दी वस्तुओं पाने ली, इस संसार में अमीर होने के लिए, इस संसार दे विच अमीर होने ली, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने ली, इस बात के लिए, इस गल ली, मुझे समझ में आया है, मेनू समझ आ गई है, यीशु मसीह के अलावा मेरा कोई उद्धार करता नहीं है, यीशु मसीह तो बिना मेनू कोई मुक्ति देने वाला नहीं है, यीशु मसीह के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई परमेश्वर है ही नहीं, यीशु मसीह तो अलावा पूरे संसार दे विच कोई परमेश्वर है नहीं। एक व्यक्ति की नींव किस बात में बनती है, एक व्यक्ति की नींव किस गल उते बनती है, सबसे पहले उसको ये बड़ी बात समझ में आ जाती है, सब तो पहला उन्हें इस गल समझ आ जाती है, मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, मैं सबको परमेश्वर नहीं बोल सकता हूँ, मैं सारे नु परमेश्वर नहीं आख सकता, सब एक एक करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, सब नु एक एक करके मैं नहीं बोल सकता, सब एक ही है ऐसे नहीं बोल सकता, सारे एक ही है मैं नहीं बोल सकता, अंधा है तो अगर अन्ना है क्या बोलेगा, की आखूगा, सब एक ही है, सारे एक ही है, किसी को भी पकड़ लो एक ही है, पर जिधर मर्जी फड़ लो एक ही है, मुझे भी कितने लोग जब मैं वचन की बात करता हूँ, जब मैं वचन की गल करता तो किन्नी लोग मेनू भी ये बोलते है, आखते है किसी को भी मान लो सब एक है, किसी नु भी मान लो सारे एक ही है, मुझे समझ में आता ये अंधा है, मेनु समझ आ गई ये अन्ना है, अभी तक आंख खुली नहीं है, अजे तक खुलिया नहीं, जिस दिन आंख खुलेगी तो, जिस दिन आंख खुलेगी ये मन की आंखें खुलेगी, अंदरली आंखा खुलन गया, तेरे ऊपर प्रकाश चमकेगा, तो तेरे ऊपर वचन दा चानन चमकूगा, तो तुझे समझ में क्या आएगा, तेनू सब तो पहला समझ की आऊगी, यीशु मसीह के अलावा इस पृथ्वी में कोई और परमेश्वर है ही नहीं, यीशु मसीह तो इलावा इस संसार दे विच होर परमेश्वर है ही नहीं, यीशु मसीह के इलावा पाप से छुटकारा देने वाला कोई और नाम है ही नहीं, यीशु मसीह तो इलावा पाप तो छुटकारा देन दे लई होर कोई नाम दिता ही नहीं गया, किधर भी जाके कुछ भी मांगने से मिलेगा, जिथे भी जाओगे सब कुछ मिलूगा, सब के पास कटोरा एक ही साइज का है, सारे दे कोले कटोरा मंगन वाला एक ही तरह का है, लेकिन यीशु मसीह के पास आने से, लेकिन यीशु मसीह के नजदीक आने दे नाल उसने बिना मांगे आपको दिया है, उन्हें बिना मंगन तो तनु दिता है, इधर जितने भी आप बैठे हैं, इधर जिन्ने भी तुसी बैठे हो, जितने भी बैठे हैं, जिन्ने भी बैठे हो, जिस क्षण आप प्रभु के पास आए, जिस कड़ी तुसी प्रभु दे कोल आए, जब आप मीटिंग में आए, जदो तुसी सभा दे विच आए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया, जो अपने आप को बदलने के लिए आया हो, जो अपने आप को बदलने लिए आया, जो अपने आप को सही करने आया, जो अपने आप को सही करने दे लिए आया, आप तो देखने आए थे, तुसी तो वेखण आए सी, आप तो सुनने आए, तुसी तो सुन आए सी, और आप आकर बैठ गए, बस तुसी आगे बैठ गए, बदलने वाले ने आपको बदल डाला, लेकिन बदलन वाले ने तनु बदल देता, उसकी सामर्थ ने आपको छू लिया, उस सामर्थ ने तनु
छू लिया। उसने आपको अमीर नहीं किया, उन्हें तनु अमीर नहीं किया, उसने आपकी गंदगी को धो डाला, उन्हें तड़ी गंदगी नु धो देता। आप तो दारू पीने वाले, तुसी तो शराब पीने वाले, आपने ऐसे ऐसे बोला होगा, तुसी इस तरह क्या होगा, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, मैं अपनी कारवाली नु छोड़ दूंगा, लेकिन मैं मेरी दारू को नहीं छोड़, मैं अपनी शराब नु नहीं छोड़ सकता, मैं अपने सब कुछ को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये सारे कामों में हम लत पत, इस काम दे विच असी फसे हुए सी, और आकर बैठ गए प्रार्थना में, और अचानक प्रार्थना दे विच आके बैठ गए। हम सुनने आए, ये बोलते क्या है, असी सुनना है, वेखिए तो सही हुंदा की है। बोलने वाले ने तो वचन बोला, बोलन वाले ने तो वचन बोलिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको बदल डाला, लेकिन परमेश्वर ने तनु बदल दिता। सही नींव क्या है, सही नींव की है, एक पापी व्यक्ति की जिंदगी बदल जाने, एक पापी व्यक्ति का जीवन बदल जाने। सही काम क्या है, सही काम की है, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु किसके लिए है, यीशु मसीह की सलीबी मौत क्यों, मेरे पापी के लिए, मेरे पापी दे लिए। मुझे समझ में क्या आया, मैंने समझ की आया, मेरे पाप ने मेरे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, मेरे पाप ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब दे ऊपर चढ़ाया, मेरी इच्छाओं के कारण वो क्रूस पर चढ़ा, मेरी इच्छा दे लई वो सलीब दे ऊपर चढ़ा, इसलिए मैंने घुटने टेक कर उसको पुकारा, इसलिए मैं गोडे टेक के उन्हें पुकारिया, प्रभु मुझे समझ में आ गया, प्रभु मेनू समझ आ गई, क्या की मैं बहुत अच्छा नहीं, मैं चंगा नहीं, मैं बहुत होशियार नहीं, मैं होशियार नहीं, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, और तेरे अलावा मुझे कोई शुद्ध नहीं कर सकता, और तेरे बिना मेनू कोई शुद्ध नहीं कर सकता। और जिस दिन से मैंने उस प्रभु को अपनाया, और जिस दिन तो मैं प्रभु नु अपने जीवन च कबूल कीता, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, उन्हें मेरा जीवन बदल दिता। जीवन बदल जाना, जिंदगी बदल जाना है सबसे बड़ा चमत्कार, और जीवन बदल जाना, जिंदगी बदल जानी, ए या सब तो वड़ी बरकत और वड़ा काम। परमेश्वर के पुत्र के समान अधिकारी बन जाना, यह है हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष। परमेश्वर दे पुत्र दे वंगू संगी वारस अधिकारी बन जाना, यह सब तो बड़ी बरकत। मैं सयून का वारिस हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। मैं स्वर्ग दा वासी बन चुका, यह सब तो बड़ी बरकत। ये जो पृथ्वी पर आप देख रहे हैं, जो ये धरती दे देख रहे हो, परमेश्वर इसको नाश कर देगा एक दिन। एक समय आ रहा है, सब कुछ नाश हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं की चाहना है, मुझे वो चाहिए जो कभी नाश ना, मैंने वो चाहिए जो कभी नाश नहीं, जो सदा स्थिर रहने वाला हो, सदा तक रहने वाला है, मुझे वो चाहिए, मैंने वो चाहिए। आइए अपनी आंखें बंद करें, आओ अपनी आंखें बंद करांगे, थोड़ी देर हम इस वचन के ऊपर ध्यान, इस वचन के ऊपर गौर करांगे। मुझे अधिकारी बनाया, मैनू अधिकारी बना देता है, मैं कभी भिखारी नहीं बनूंगा, मैं भिखारी नहीं बनूंगा, मैं अधिकारी हूँ, मैनू समझ आ गई मैं अधिकारी हूँ, मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मैनू मंगन की जरूरत नहीं, वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरे की तरह नहीं मांगूंगा, मैं दूसरे की तरह नहीं मांगूंगा, मैं दूसरे के समान नहीं बनूंगा, मैं दूसरे की तरह नहीं बनूंगा, मैं अधिकारी हूँ, मैंने समझ आ गई मैं अधिकारी हूँ। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु इन वचनों के द्वारा तुम आशीष दे।